Hello children, how are you? चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं बेटा आज. ये आपके बोर्ड पे कुछ नजर आ रहा है आपको. यहां पे हम बात कर रहे हैं आज कुछ फलों की, कुछ फलों की, कुछ मेवे, मेवे समझते हैं बेटा आप, ड्राई फ्रूट्स की और कुछ नट्स की. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम फ्रूट से. सबसे पहले मेरे साथ APPLE, एप्पल. एप्पल, एप्पल का मतलब सेब. आपने देखा ना सेब, अपने स्क्रीन पे देखिए, सेब दिख रहा है आपको. एप्पल सेब. एप्पल रेड भी होता है, एप्पल ग्रीन भी होता है. ग्रीन एप्पल यहां नहीं मिलता लेकिन ग्रीन एप्पल भी होता है. तो कभी आपने देखा कि कोई ग्रीन टाइप का कोई फल है और वहां लिख दिया एप्पल, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि एप्पल हमेशा रेड होता है, एप्पल ग्रीन भी होता है. ठीक है, एप्पल सेब. BANANA, बनाना. बनाना मतलब केला. जानते हैं बहुत कॉमन सा फल है, हमेशा खाते हैं, भरपूर कैल्शियम. बनाना केला खाइए. ब्लैकबेरी, BLACK, ब्लैक बेरी. BERRY, ब्लैक बेरी. ब्लैक बेरी खाए. जामुन, आपकी जीभ भी जामुनी रंग की हो जाती है जब आप जामुन खाते हैं. बेरीज जो होते हैं बेटा, ये छोटे फल रसदार फल होते हैं, खूब इसमें खूब रस होता है, जूसी सकलेंट फ्रूट्स. ब्लैकबेरी, जैसे बेरी जो भी होगी वो बहुत ही जूसी होते हैं. तो जामुन ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी जामुन तो आपने देखा, ये देखिए स्क्रीन पे आपके. स्ट्रॉबेरी, STROWBERRY, स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी बोलेंगे. फोटो से पहचानिए, इसका हिंदी नाम जो भी होगा वो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना है, हम इसको स्ट्रॉबेरी बोलेंगे. ठीक है, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी. ओके, COCONUT, कोकोनट. COCONUT, कोकोनट. नारियल, नारियल, नारियल को इंग्लिश में कोकोनट. देखा है आप लोगों ने, कोकोनट भी कच्चा वाला जो होता है ग्रीन कलर का, जिसमें आप स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, उसका पानी नारियल पानी. और एक नारियल जो आप भगवान को चढ़ाते हैं वो नारियल भी होता है. ठीक है, वही फ्रूट है एग्जैक्टली, सूखने के बाद में वो उस तरह का हो गया है, कच्चा नारियल और ये नारियल जो है कोकोनट नारियल. कस्टर्ड एप्पल, CUSTARD, कस्टर्ड एप्पल. APPLE, सीताफल, जिसे आप शरीफा भी कहते हैं, सीताफल. देखा है ना, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल. ठीक, खाते हैं आप लोग काफी. डेट, DATE, डेट. खजूर, खजूर भी दो फॉर्म में होता है, एक तो आपने देखा होगा जो काफी चिकना होता है ऊपर से, और दूसरा होता है जिसमें थोड़े से झुर्रियां टाइप की होती है, वो दोनों खजूर कहलाते हैं. DATE, डेट, खजूर. खजूर देखिए अपनी स्क्रीन पे, पहचानिए खजूर, बहुत मीठा फल है, बहुत बढ़िया हेल्दी ड्राई फ्रूट है, आप खा सकते हैं खजूर. फिग, FIG, फिग, अंजीर. FIG, फिग. फिग का मतलब अंजीर, कैसा होता है देखिए फिग. ठीक, गूसबेरी, GOOSEBERRY, गूसबेरी. गूसबेरी, आंवला. आंवला तो खूब पसंद है आप लोगों को ना, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें, बहुत टेस्टी फ्रूट है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, आंवला खाइए. गूसबेरी, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गूसबेरी. ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, अंगूर. GRAPES, ग्रेप्स, अंगूर. ये भी ग्रीन कलर, ब्लैक कलर सब में होते हैं अंगूर. ठीक है, ग्रेप्स, इनको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेप्स. गुआवा, GUAVA, गुआवा, गुआवा, अमरूद. ठीक है, अमरूद देखिए कैसा दिखता है अमरूद. ठीक है, गुआवा. लेमन, LEMON, लेमन. लेमन नींबू, LEMON, लेमन. लेमन, लिमोन नहीं पढ़ना है इसको, लेमन. लेमन यानी नींबू. इसके बाद लीची, LYCHEE, LYCHEE, लीची कैसी दिखती है देखिए आपके स्क्रीन पर, आपने खाया भी होगा, लीची मिलती है यहाँ.
इसके बाद बहुत ही, ये तो फलों का राजा कहलाता है, मैंगो, MANGO, मैंगो यानी आम। मैंगो का मतलब आम, आम को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, मैंगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मलबेरी, MULBERRY, MULBERRY, मलबेरी, शहतूत, शहतूत नया फल आपके लिए, ये देखिए ये है शहतूत, मलबेरी शहतूत, ठीक है। चले आगे, मस्क मेलन, MUSK MELON, मस्क मेलन, खरबूज, खरबूज खाया होगा आप लोगों ने, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है मस्क मेलन, वाटर मेलन, दोनों मेलन्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। ये देखिए मस्क मेलन। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, संतरा, या आप इसे नारंगी भी कहते हैं, ये भी गर्मी का फल है। ऑरेंज इसको कैसे बोलेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज कलर भी होता है और ऑरेंज फल का नाम भी होता है, ठीक है। पपाया, PAPAYA, पपाया, 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 पपीता, ठीक है। पेप्सिन नाम का इसमें भी पदार्थ होता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए। पपाया नाम क्या है, पपीते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पपाया। पीच, ये थोड़ा रेयर फ्रूट है, अपने कांकेर में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लीजिए, पीच, PEACH, पीच, ये देखिए पीच, इसको आड़ू बोलते हैं, आड़ू, पीच। अगर आप आड़ू शब्द आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे याद रहेगा कि नहीं, सिंपली पीच देखिए और आप उसकी फोटो से उसको कोरिलेट कीजिए, पीच कहलाता है, ठीक है। पियर, नाशपाती, बहुत इजीली अवेलेबल है, पियर नाशपाती, PEAR, पियर नाशपाती, ठीक है, नाशपाती को इंग्लिश में पियर, देखिए पियर। PINE, पाइन, पाइन का मतलब होता है बेटा कांटे, और एप्पल का मतलब सेब, तो हम इसको ये बोला जाए कि इसका नाम इस तरह से रखा गया, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। अनानास, या अगर आप पाइन एप्पल नाम से जानते हैं तो पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, अनानास, देखा है आप लोगों ने, मिलता है पाइन एप्पल, अनानास। ग्राउंडनट, GROUND, ग्राउंड नट, NUT, नट, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली समझते हैं आप लोग, खाते हैं, है ना, हर प्रकार की, कच्ची, भुनी, तली, जैसी आप पसंद करें, ग्राउंड नट, मूंगफली, इसका तेल भी निकाला जाता है ना, तो ग्राउंड नट, मूंगफली को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। नेक्स्ट वन, प्लम, प्लम, ये देखिए प्लम, लाल रंग का फल होता है, मीठा होता है, टेस्टी होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, आलू बुखारा, आलू बुखारा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये, प्लम यानी आलू बुखारा। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, अनार, अगर किसी को पेट का कोई प्रॉब्लम है तो पोमग्रेनेट खाए, इस ये एक ऐसा फल है बेटा जिसकी पत्तियां तक आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, और आप खाएंगे तो आपको पेट का कभी कोई रोग नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना बढ़िया ये होता है, किसी भी तरह की अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है आप पोमग्रेनेट यूज कीजिए। अनार हेल्दी, थोड़ा सा महंगा होता है, आपका ब्लड बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा और आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, अनार, अनार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोमग्रेनेट, ठीक है। किशमिश, रेजिंस, रेजिंस, किशमिश, किशमिश सुना है ना आपने, डालते हैं कई चीजों में, किशमिश, रेजिंस, एक्चुअली ग्रेप से ही, अंगूर से ही किशमिश बनती है बेटा, अंगूर को सुखा के, और किस तरह से वो करते होंगे पता नहीं, पर वो वही उसका ड्राई फ्रूट रूप है किशमिश। कैश्यू नट, CASHEWNUT, कैश्यू नट, काजू, खाते हो आप लोग, कैश्यू नट, काजू, काजू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैश्यू नट, कैश्यू नट बनेगा। नेक्स्ट वन, सपोटा, सपोटा, चीकू, ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन, ऊपर का छिलका निकालिए, कई लोग छिलके सहित खा जाते हैं, अंदर एक बीज होता है पर बहुत टेस्टी होता है, चीकू, नाम भी बड़ा प्यारा है, आप चीकू भी बोल सकते हैं पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोटा, सपोटा, चीकू। स्वीट लाइम,
SWEET, sweet, lime, LIME, मुसंबी, मुसंबी, मुसंबी जानते हैं? पेशेंट्स जो होते हैं ना जिनकी तबीयत खराब होती है उनको इसका रस पिलाया जाता है ताकत के लिए. तो ये है स्वीट लाइम, स्वीट लाइम जिसको आप मुसंबी बोलते हैं. स्वीट लाइम, स्वीट लाइम. आप अगर इसको सिर्फ लाइम बोल देंगे ना तो ये नींबू के प्रकार का एक फल हो जाएगा, है ना. हम इसको स्वीट लाइम बोलेंगे तब ये मुसंबी आएगा, ठीक है. सिंपली लाइम बोल दोगे तो नींबू जैसा हो जाएगा बेटा, वो नींबू के जैसा ही एक फल है, लाइम ओनली, है ना. हम बात कर रहे हैं स्वीट लाइम की जो है मौसम्बी. नेक्स्ट है वाटरमेलन. खूब पानी की मात्रा होती है इसमें, इसलिए इसको गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. तरबूज बड़े बड़े साइज के होते हैं, लाल एकदम. वाटरमेलन, वाटरमेलन ठीक है, बिकते भी हैं गर्मियों के दिन में, काट काट के बेचते हैं उसको खाने के लिए बच्चे लोगों के, सभी लोग खाते हैं वाटरमेलन. साफ सफाई से खाइए, बहुत अच्छी चीज है. खूब पानी, आपको प्यास नहीं लगेगी. वाटरमेलन, तरबूज, WATER water, melon, MELON. इसका गार्डन होता है बड़ा बड़ा जहां पे तरबूज खरबूज उगाए जाते हैं, वाटरमेलन ठीक है. वुड एप्पल, WOOD, वुड, APPLE, वुड एप्पल, बेल, बेल की पत्तियां शंकर भगवान को चढ़ती हैं और ये बेल फल है. वुड एप्पल, वुड एप्पल बहुत हार्ड होता है फल, है ना, देखा भी होगा आप लोगों ने. तो ये है वुड एप्पल. इसके बाद हम आते हैं आलमंड्स. इसके प्रोनाउंसिएशन में दो बातें हैं, कई लोग इसको आलमंड्स बोलते हैं, कई लोग इसको आमंड्स बोलते हैं, दोनों करेक्ट है. आप इसको बकायदा अगर एल को प्रोनाउंस भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आलमंड्स, या आप सिर्फ आमंड्स भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आलमंड्स यानी बादाम, ये तो बहुत अच्छी चीज है ठीक है. बादाम आपके दिमाग के लिए, आपके तंदुरुस्ती के लिए, आपके हेल्थ के लिए, तो ये बादाम, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आलमंड्स या आमंड्स. एल को प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसको पढ़ा जाता है, आलमंड्स और आमंड्स, बादाम ठीक है. मैं समझती हूँ जो आप लोगों ने आज पढ़ा है इसमें बहुत सारी चीजों को तो आप पहले ही पहचानते हैं या जानते हैं, तो इस बार आपको मेरे ख्याल से लेट्स स्पीक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं एक के बाद एक और आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी चीज है. अधिकांश को आप जान रहे हैं ठीक है, तो रेडी. जैसे ये पियर, नाशपाती दिख रहा है ना आपको, उसी तरह से एक के बाद एक फोटोज आती जाएंगी और आपको खड़े होके उसका नाम इंग्लिश में बोलना है. आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, आप इंग्लिश में फटाफट बोलते जाइए और जब तक लास्ट स्टूडेंट तक बोल के खत्म नहीं करेगा तब तक आपका ये पीरियड एंड नहीं होगा. जो भी टीचर यहाँ मौजूद हैं कृपया ध्यान दें, बच्चों को रिकोगनाइज करने में मदद कराएं, बच्चों को ये सब पहचानना जरूरी है और उनको इंग्लिश में नाम मालूम होने चाहिए ठीक है. तो आप देखिए ध्यान से, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जिसको आप भूल गए, रिवर्स कीजिए इस वीडियो को, ले जाइए वहां पे और उस फोटो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आप अपना लेट्स स्पीक स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे फोटोज आती जाएंगी आप बोलते चले जाएंगे उसका नाम इंग्लिश में ठीक है. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.